तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो, आपको यहाँ पर एक चाइना टार्च दिख रहा है गाइस। यहाँ पर देखो इसमें क्या प्रॉब्लम, मुझे खुद नहीं पता, मैं आप लोगों के सामने इस टार्च को बनाकर दिखाऊंगा। तो देखो ये आपको स्विच दिख रही है, तो इसे हम लोग बैक करेंगे तो ये वाली हमारी जो लाइट होती है ये जलना चाहिए। देखो नहीं जल रही गाइस, हम लोग जैसे इसे आगे करेंगे पूरा आगे, तो ये वाली लाइट जलना चाहिए। देखो गाइस ये भी नहीं जल रही। तो गाइस कोई भी इमरजेंसी लाइट हो, चाहे चाइना टार्च हो, तो आप लोग उसे कैसे बनाओगे, आप लोगों को इस वीडियो में सब कुछ देखने को मिल जाएगा। अभी मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आप लोगों के सामने मैं इसे बनाकर दिखाऊंगा। यहाँ पर देखो ये मैंने किया, देखो नहीं जल रही गाइस। यहाँ पर देखो मैं इसे आगे करता हूँ, फिर भी देखो नहीं जल रही गाइस, आप लोग देख सकते हो। चलो हम लोग फटाफट इसे खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकती है गाइस। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसका जो है बल्ब दिख रहा है बिल्कुल सही है, आप लोगों को दिख रहा होगा। देखो यहाँ पर मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, देखो इसका बल्ब भी नहीं फ्यूज है, देखो कितना अच्छा यहाँ पे दिख रहा है, कोई जला वाला नहीं दिख रहा गाइस। तो यहाँ पर कोई वायर भी नहीं कटा है। अब हम लोग इसका पूरा बोर्ड यहाँ पे खोलेंगे, पूरा हम लोगों को यहाँ पर जो नट बोल्ट लगी रहती है उन्हें हमको खोलना होगा और इसे पूरा ओपन करना होगा, फिर हम लोग देखेंगे इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो जो आपको ये लाइट दिख रही है देखो बिल्कुल क्लीन है, कोई भी जली नहीं दिख रही। तो चलो हम लोग खोलते हैं, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकती है, चलो देखते हैं। कोई भी टार्च आप लोगों के पास रिपेयर के लिए आती है तो आप लोग उसे तुरंत रिपेयर कर लोगे, ठीक कर लोगे। आप लोग ये वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। तो गाइस यहां पर मैं देख लेता हूं कितनी इसमें नट बोल्ट लगी है, एक लगी है। अब गाइस हम लोग फटाफट ओपन करते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग इसे ओपन करेंगे। तो गाइस यहां पर आप लोग देख सकते हो ये ओपन हो चुकी, आप लोगों को दिख रहा होगा अच्छी तरह से, यहां पर देख सकते हो मैंने इसे ओपन कर दिया। अब यहां पर हम लोग देखते हैं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकती है। यहां पर आप लोग देख लो ये बैटरी है गाइस, और इसमें आप लोग देख लो बैटरी का भी वायर नहीं टूटा है, मतलब नहीं कटा है, बैटरी के भी वायर जुड़े हैं, कोई भी वायर मुझे कटा नहीं दिख रहा गाइस। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कोई भी वायर नहीं कटे हैं गाइस। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले मल्टीमीटर से बैटरी का वोल्टेज चेक करेंगे, हमारी बैटरी चार्ज है नहीं। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये मल्टीमीटर मैं यूज करता हूँ, इसे मैं DC 20 पे सेट कर लेता हूँ, क्योंकि हम लोग कुछ भी वोल्टेज चेक करते हैं DC का तो हम लोग DC 20 पे सेट कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने DC 20 पे सेट कर लिया, और यहाँ पर मैं अच्छी तरह सेट कर लूँ आप लोगों को भी दिखे, देखो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा। अब गाइस यहाँ पर हम लोग बैटरी पे टच करेंगे मल्टीमीटर को, दोनों वायर देखेंगे यहाँ पर कितना वोल्टेज आ रहा। तो गाइस आप लोग देख सकते हो इसकी बैटरी डेड है, देखो यहाँ पर एक भी वोल्टेज नहीं बता रहा मल्टीमीटर में, आप लोग देख सकते हो गाइस। तो इसका मतलब है गाइस यहाँ पर जो वोल्टेज आना चाहिए वो नहीं आ रहा, ये बैटरी हमारी डेड है। अब एक बार हम लोग इसे चार्जिंग में लगाएंगे, मतलब चार्जिंग में लगा के देखेंगे यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है नहीं, ये जो सर्किट लगा है गाइस, क्योंकि ये सर्किट भी खराब हो जाता है। मान लो ये सर्किट खराब है और यहाँ पे वोल्टेज नहीं आएगा तो हमारी बैटरी कैसे चार्ज होगी। तो हम लोग एक बार इसे बिजली पे लगाएंगे, क्योंकि ये बिजली से चार्ज होती है। यहाँ पर देखो ये सर्किट बना हुआ है, आपको नहीं पता ये सर्किट कैसे बनाते हैं, मैं एक वीडियो बना दूंगा, ये सर्किट आप लोग तुरंत बना लोगे, 10 रुपए के अंदर ये सर्किट बन के रेडी हो जाता है। चलो गाइस हम लोग इसे लगाते हैं बिजली में, यहाँ पर चेक करेंगे कितना वोल्टेज आता है। और देखो जब आप लोग बिजली पे लगा देना, आप लोग यहाँ पे हाथ से मत टच करना, क्योंकि यहाँ पर AC करंट आता है, आप लोग टच करोगे तो आपको करंट लग जाएगा, ठीक, टच मत करना हाथ से, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। चलो यहाँ पर मैं इसे बिजली पे कनेक्ट करता हूँ, फिर देखते हैं। तो गाइस मैं ऐसे करके इसे निकाल लेता हूँ, क्योंकि यही लगेगा हमारा, इस होल्डर के माध्यम से मैं लगाऊंगा, ठीक, क्योंकि मेरे पास इतने समय बोर्ड नहीं है। देखो ऐसे करके मैं कर दूंगा और यहां पर मैं टच नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे भी करंट लग सकता है, ठीक है गाइस। यहां पर देखो मैंने लगा दिया है, अब यहां पर हम लोग स्विच को ऑन करेंगे। देखो मैंने स्विच को भी ऑन कर दिया, आप लोगों को यहाँ पर देखो दिख रहा होगा, देखो लाइट इसकी ब्लिंक कर रही गाइस, आप लोग देख सकते हो जो इंडिकेटर होता है वो ब्लिंक कर रही। अब यहाँ पर आपको हाथ से टच नहीं करना, क्योंकि इसमें AC करंट आया था। अब एक बार हम लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे, यहाँ पे हम लोग चेक कर लेंगे बिल्कुल AC करंट आ रहा है नहीं। और देखो गाइस आपको यहाँ पे रख लेना, क्योंकि हम लोग AC करंट चेक करने जाते हैं, आपको DC 20 पे नहीं सेट करना, ठीक है, आप लोग इस पे कर लेना 600 पे, क्योंकि हम लोग AC करंट यहाँ पे पहले चेक करेंगे डायरेक्ट। ये जो होल्डर पे मैंने लगाया यहाँ पर देख लेते हैं करंट आ रहा है नहीं। देखो गाइस यहाँ पर मैं चेक करता हूँ, देखो गाइस यहाँ पे करंट आ रहा है AC का, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग रखेंगे
फिर से 200 पे रख लेंगे, क्योंकि हम लोग अब सर्किट में चेक करेंगे, ठीक। इस बैटरी भी आप चेक करेंगे, बैटरी भी कितना वोल्टेज आ रहा है। आपको 200 पे रखना है डीसी, 200 पे, 20 पे नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा वोल्टेज आता है। आपको डीसी 200 पे सेट कर लेना मल्टीमीटर को। और यहाँ पर देखो आपको हाथ नहीं लगाना, मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, करंट लग जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। इस मल्टीमीटर के दोनों वायर बैटरी के पॉइंट पे टच करेंगे, देखते हैं यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है नहीं। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एक भी वोल्टेज नहीं आ रहा है। देखो इसका मतलब ये जो हमारा सर्किट है ये खराब है। देखो एक भी वोल्टेज नहीं आ रहा, आप लोगों को दिख रहा है। देखो गाइस एक भी वोल्टेज यहाँ पे नहीं हो रहा। अब देखते हैं इसके अंदर क्या खराबी हो सकती है। अब हम लोग यहाँ पर वायर को हटा लेंगे, ठीक। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले यहाँ पे मैं स्विच ऑफ कर देता हूँ, और यहाँ पर इस वायर को मैं ऐसे करके हटा लेता हूँ। देखो मैंने हटा दिया, ठीक है। अब इसमें करंट नहीं आ रहा। अब हम लोगों को इसका सर्किट निकालना होगा। ये जो सर्किट है इस सर्किट में प्रॉब्लम है। तो चलो यहाँ पर हम लोग इसे निकालते हैं बाहर, देखते हैं क्या खराब हो सकता है। यहाँ पर एक नट बोल्ट लगी, इसे मैं खोल लेता हूँ ऐसे करके। गाइस कोई भी इमरजेंसी लाइट हो, चाहे चाइना टॉर्च हो, तो आप लोग इस प्रकार बना सकते हो। आप लोग ये वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देख लो, आप लोग सीख जाओगे। यहाँ पर मैं देख लेते हैं गाइस कोई। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पर देखो कोई भी सर्किट यहाँ पर मुझे डैमेज नहीं दिख रहा। चलो हम लोग एक बार चेक करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये डायोड को चेक करेंगे। मल्टीमीटर को आपको बजर मोड में सेट कर लेना, यहाँ पे आपको सेट कर लेना बजर मोड में। चलो यहाँ पर मैं सेट कर लेता हूँ बजर मोड में, फिर मैं चेक करता हूँ आपको बताता हूँ, ठीक है गाइस। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मल्टीमीटर को मैंने बजर मोड में सेट कर लिया। अब यहाँ पर आपको ये जो डायोड दिख रहा है ब्लैक कलर में, इनके दोनों पॉइंट पे आपको टच करना है। एक तरफ से रीडिंग आएगी, एक तरफ से कुछ नहीं आएगी, ये सही होगा। तो देखो गाइस इस तरफ से रीडिंग आ रही है। अब हम लोग वायर को बदल के लगाएंगे, इस तरफ से कुछ भी रीडिंग नहीं आना चाहिए, सही होगा। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये हमारा डायोड डैमेज है, खराब है। फिर से हम लोग एक बार इसे चेक करेंगे वायर बदल के। देखो इधर से भी रीडिंग आ रही, इधर से भी हम लोग चेक कर लेते हैं। देखो इधर से भी रीडिंग आ रही। अब हम लोग एक बार ये डायोड के चेक करेंगे आगे वाला इसके। देखो इधर से भी रीडिंग आ रही, हम लोग इधर से भी चेक करेंगे। देखो गाइस इसमें भी रीडिंग आ रही। देखो अभी हम लोग कन्फर्म नहीं कह सकते ये डायोड खराब, अभी हम लोग कन्फर्म नहीं कह सकते ये डायोड खराब, क्योंकि ये सर्किट में लगा है। कभी कभी सर्किट में लगा रहता है और यहाँ पर रीडिंग बताता है। तो गाइस हम लोग एक बार इन डायोड को निकाल के चेक करेंगे, देखेंगे खराब है सही। और हम लोग ये पीएफ जो कैपेसिटर होता है इसे हम लोग कैसे चेक करेंगे, चलो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखो जब आप लोग दोनों पॉइंट पे टच करोगे यहाँ पर कुछ भी वैल्यू नहीं आना चाहिए, मतलब कुछ भी रीडिंग नहीं आना चाहिए। चलो हम लोग इसे चेक कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो दोनों पॉइंट पे मैं टच कर रहा हूँ मल्टीमीटर में, देखो कुछ भी वैल्यू नहीं आ रही। इसका मतलब ये जो पीएफ कैपेसिटर होता है सही है। अब गाइस यहाँ पर हम लोग एक बार चेक करेंगे जो ये रेजिस्टेंस लगे हैं ये सही है नहीं, क्योंकि ये देखो फ्यूज का मेरे समझ में काम करते हैं फ्यूज का। चलो हम लोग इसे चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग दोनों पॉइंट पे लगाएंगे, यहाँ पर बीप देना चाहिए, सही होगा तो बीप देगा, ठीक है गाइस। देखो बीप दे रहा है, ये सही है क्योंकि ये फ्यूज रेजिस्टेंस है। हम लोग इसे भी एक बार चेक कर लेंगे, ये भी खराब हो जाते हैं रेजिस्टेंस, ये भी सही है, ठीक है गाइस। अब यहाँ पर मेरे समझ में क्या खराब हो सकता है, यहाँ पर ये जो डायोड है यही गाइस मेरे समझ में खराब है। चलो हम लोग इसे एक बार यहाँ से निकालते हैं और फिर चेक करते हैं इसमें रीडिंग कैसे आ रही, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगा ये सही है खराब है। तो यहाँ पे देखो खराब बता रहा, ठीक है, मगर हम लोग एक बार इसे निकाल के चेक करेंगे। यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ फटाफट। देखो गाइस ये निकल आया, आप लोगों को दिख रहा होगा, देखो ये डायोड निकल आया। इसका नंबर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे खराब हो जाता है तो आप लोग इसे लगा सकते हो, आपको खरीदने की जरूरत नहीं। आपके घर में चार्जर पड़े होंगे, कोई सर्किट पड़ा होगा उनमें ये लगा रहता है, बहुत ज्यादा यूज होता है। इसका नंबर है IN4007, इसका नंबर है ये डायोड। ये आपको एक रुपए का दो मिल जाएगा, ठीक है गाइस। अब हम लोग इसे चेक करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा टॉर्च को मैं इधर रखता हूँ, आप लोगों को दिखे। यहाँ पर देखो ये मेरा डायोड है। अब यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे, आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा ये खराब है सही। तो गाइस यहाँ पर देखो मल्टीमीटर को आपको बजर मोड में रखना है। देखो यहाँ पर बजर मोड में है। अब ये जो आपको डायोड दिख रहा है दोनों हिस्से पे आपको मल्टीमीटर को वायर टच करना है।
गाइस ये अच्छी तरह से लग नहीं रहा, तो इसे मैं ऐसे हाथ से पकड़ के करूंगा ऐसे करके। देखो गाइस इधर से रीडिंग आ रही है, आप लोगों को दिख रहा है मल्टीमीटर में। अब हम लोग ये डायोड को बदल देंगे और ऐसे करके टेस्ट करेंगे। देखो गाइस सही है डायोड, आप लोग देख सकते हो डायोड मेरा नहीं खराब, इसलिए मैंने बताया। देखो सर्किट में खराब दिखा रहा था और यहाँ पर देखो बिल्कुल ओके दिख रहा है, इसका मतलब ये डायोड नहीं खराब है। ठीक है गाइस, यहाँ पर खराब क्या हो सकता है, जो रेजिस्टेंस है देखो यहाँ पर लूज दिखा रहा है, देखो ये लूज है। तो गाइस यहाँ पे हम लोग सोल्डिंग कर देंगे, सही हो जाएगा। चलो ये डायोड को मैं उसी प्रकार लगा देता हूँ जैसे लगा था, उसी प्रकार आपको लगा देना है। ठीक है तो चलो इसे मैं लगा देता हूँ उसी प्रकार। इस प्रकार आप लोग डायोड एक बार चेक कर लेना, कंफर्म कर लेना। देखो मैंने कंफर्म कर लिया मेरा डायोड नहीं खराब है, ऐसे करके मैं इसे लगा दूंगा उसी प्रकार जैसे लगे थे। फटाफट इसे मैं लगा देता हूँ क्योंकि मैं वीडियो को थोड़ा कट कर दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने डायोड को लगा दिया उसी प्रकार जैसे लगा था, उसी प्रकार मैंने लगा दिया, क्योंकि ये डायोड नहीं खराब है, सर्किट में लगे थे इस कारण यहाँ पे खराब दिखा रहे थे। अब इसका जो अदर पार्ट है इसे मैं कट कर देता हूँ, क्योंकि ज्यादा यहाँ पे रंगा लग चुका है, इसे मैं ऐसे करके कट कर दूंगा। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर देखो क्या हो सकता है इसमें कमी, मैं अब आपको फाइनल डिसीजन बताता हूँ। देखो गाइस यहाँ पर देखो ये रेजिस्टेंस आप लोग देख सकते हो बिल्कुल लूज है, देखो यहाँ पर हलाता हूँ देखो हल रहा है, और ये वाला भी रेजिस्टेंस लूज है बिल्कुल। अब इन्हें हम लोगों को यहाँ पे रंगा लगाना होगा और यहाँ पर आपको सोल्ड कर देना है एक बार। चलो यहाँ पे मैं सोल्ड कर लेता हूँ फटाफट, सही हो जाएगा। यहाँ पर देख लेते पॉइंट कहाँ पे है, एक पॉइंट ये यहाँ पे है रेजिस्टेंस के। देखो गाइस यहाँ पे बिल्कुल लूज है गाइस, इस कारण यहाँ पे लाइट नहीं आ रही थी, और ये एक पॉइंट है, इसे भी हम लोग यहाँ पे टाइट कर देंगे। देखो ये ऐसे कर देंगे, अब यहाँ पर हम लोग सोल्डिंग करेंगे गाइस। सोल्डिंग कर देंगे तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि गाइस रेजिस्टेंस लूज थे। गाइस आप लोग इस प्रकार स्टेप बाय स्टेप चेक करो, और जो भी कंपोनेंट खराब हो उसे आप लोग निकाल के चेंज कर देना, आप लोगों की प्रॉब्लम बन जाएगी। तो यहाँ पर मैं इसमें सोल्ड कर देता हूँ दोनों पॉइंट पे। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने इसमें सोल्ड कर दिया, अभी ये पॉइंट अच्छी तरह से नहीं सोल्ड है, देखो यहाँ पे हल रहा, तो इसे भी मैं अच्छी तरह सोल्ड कर लेता हूँ। ये खराब होगा तो हम लोग दूसरा भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है गाइस ये खराब नहीं, मगर यहाँ से सोल्ड नहीं था, इस कारण इसमें करंट अच्छी तरह से नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर मैं और पेस्ट लगा लेता हूँ, दूसरा पेस्ट में लगाऊंगा हो जाएगा। ठीक है गाइस यहाँ पे मैं पेस्ट लगा लेता हूँ, और यहाँ पे मैंने पेस्ट लगा लिया है, अब इसमें मैं फिर से सोल्ड करूंगा। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अच्छी तरह से रेजिस्टेंस यहाँ पे सोल्ड हो चुका, देखो अब नहीं हिल रहा, देख सकते हो यहाँ पे नहीं हिल रहा। और ये वाला भी हम लोग देख लेते हैं, ये तो सही है गाइस, ये सही लगा। अब हम लोग इसकी फिर से टेस्टिंग करते हैं। ठीक है गाइस यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने करूंगा वीडियो को, कुछ भी कट नहीं करूंगा। यहाँ पर देखो मैं इसमें लगाने जा रहा हूँ, ये जो एसी वाला वायर इसमें मैं देखो लगाने जा रहा हूँ, और यहाँ पर मैं ध्यान रखूंगा मेरा हाथ न टच हो, ये करंट लग जाएगा मुझे। तो देखो गाइस आप लोग देख सकते हो हमारी इमरजेंसी लाइट बन के रेडी हो चुकी, मतलब जो ये चाइना वाली टार्च है बन चुकी है, आप लोगों को दिख रहा होगा देखो इसमें लाइट जलने लगी है, और ये आपको वीडियो में ब्लिंक दिख रही है, मतलब लुप लुप जल रही है वीडियो में, और गाइस मुझे नहीं दिख रही, ये बिल्कुल सही चल रही। अब गाइस यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे जो बैटरी है इस पर सही वोल्टेज आ रहा है नहीं, और आप लोगों को यहाँ पर टच नहीं करना, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको करंट लग जाएगा। यहाँ पर देखो मल्टीमीटर में आप लोग देखना कितना वोल्टेज बता रहा, मैंने डीसी 20 पे सेट कर लिया है। अब यहाँ पर मैं टच करूँगा तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बिल्कुल परफेक्ट वोल्टेज देखो आने लगा। अब हमारी ये जो टार्च है चाइना वाली ये जलेगी, अभी मैं आपको जला के भी दिखाऊंगा। ठीक है गाइस देखो यहाँ पे वोल्टेज आने लगा, वो भी माइनस में बता रहा, क्योंकि मैंने मल्टीमीटर को वायर प्लस वाला माइनस में लगाया, माइनस वाला प्लस में। अब देखो ये प्लस वाला लगाऊंगा, इसमें माइनस वाला बिल्कुल सही वोल्टेज, देखो बिल्कुल प्लस में वोल्टेज आएगा बिल्कुल सही। तो गाइस आप लोग इस प्रकार कोई भी चाइना टार्च आती रिपेयरिंग के लिए आप लोग इस प्रकार बना सकते हो, मैंने आपको सब कुछ करके दिखा दिया। ठीक है गाइस लाइव मैंने आपको बताया आप लोगों को करना क्या होगा, सबसे पहले आप लोगों को
कंपोनेंट चेक करना होगा, कोई कंपोनेंट खराब होगा आप लोग निकाल के लगा देना दूसरा। और मान लो कंपोनेंट नहीं खराब है तो दूसरे स्टेप में आपको हर एक कंपोनेंट हिला चेक कर लेना वो कंपोनेंट लूज तो नहीं है, लूज होगा तो आप लोग सोल्डिंग कर देना सही हो जाएगी। यहाँ पर देख सकते हो इसके कंपोनेंट लूज थे, मैंने सोल्डिंग कर दिए सही हो गया, आप लोगों के सामने मैंने बनाकर दिखाया, मुझे नहीं पता था इसमें क्या खराबी हो सकती है। तो गाइस आप लोग इस प्रकार स्टेप बाय स्टेप सीखो, मैंने आपको सब कुछ बताया। और जो लोग अभी तक अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपको सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। चलो गाइस यहाँ पर मैं निकाल देता हूँ और हम लोग चेक करते हैं इसकी बैटरी कुछ बहुत चार्ज हुई नहीं क्योंकि बिल्कुल डेड है। ठीक, यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ ऐसे करके। अब यहाँ पर हम लोग बैटरी को चेक करेंगे कुछ बहुत चार्ज हुई नहीं। यहाँ पर आप लोग देखो, आप लोगों के सामने मैं बैटरी चेक कर रहा हूँ, देखो हमारी बैटरी चार्ज हो चुकी है, पहले डेड हमारी बैटरी थी, एक भी परसेंट हमारी बैटरी चार्ज नहीं थी, 0-0 दिखा रहा था। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारी बैटरी फुल चार्ज हो चुकी है। देखो यहाँ पर 4 वोल्टेज की होती है बैटरी हमारी, 4 वोल्टेज यहाँ पर आ रहा मल्टीमीटर में देख सकते।